निभाने रिश्ते सबके संग संग में भूल बैठी दर्द है मांगा ज्यादा कुछ नहीं चाहिए बस अहमियत एक गुजार दे उमर चंद खुशियों हकीम चाचा ने बोला है कि इसने कोई नहीं बचना, इसका जिगर गल सड़ गया है, आंत्रों में भी सुराख हो गए हैं। वो कह रहे थे कि ये बेचारा मर जाएगा सुबह तक। हाय अल्लाह, तू ये क्या कर रही है? उसके पेट में कुछ नहीं जाना, उसके पेट में जख्म है गरम। मेरे रब्बा, कौसर, इसका माथा तो तप रहा है, बड़ा तेज बुखार है इसे। ऐसा करते हैं कि इसे कमरे में जाकर लिटा देते हैं, बाहर औस भी पड़ रही है। आ, मदद कर मेरी, उठा इसे, उठा कौसर, उठा इसे। हाय रब्बा, मरने को पड़ा है पर वजन कितना है? लोग सही कहते हैं, मुर्दे का वजन तभी ज्यादा होता है जब उसके गुनाह ज्यादा होते हैं। बकवास बंद कर, मरा नहीं है ये, जिंदा है। खाक जिंदा है करम, सिर्फ सांस ही तो चल रही है। हकीम जी ने बोला नहीं है कि मर जाना है सुबह तक इसने? पता नहीं तूने क्यों ये लाश अपने मत्थे ले ली है। फजर के बाद बुखार हल्का हुआ है किम जी, पर बुखार टूटा नहीं है। आंख तो नहीं खोली मगर दो बार पानी मांगा था। बस हाय हाय करता है और बेहोश हो जाता है।
रात गुजार गया, बड़ी बात है, शायद अब बच भी जाए। ये गरम दूध के साथ से ये पूड़ियाँ देती रहना, अगर शाम तक उसका बुखार टूट गया तो फिर कुछ उम्मीद के किरण नजर आती है, वरना रब की मर्जी। रहने दे करम, तू एक मुसाफिर की खिदमत कर रही है, उसका पैसा लेकर मैंने क्या करना है। जा जा बेटा जा। पता नहीं कौन है कौन नहीं, ऐसे मुझे तो कोई फकीर ही लगता है। हालत देखी है तूने इसकी? तोबा तोबा, इतनी बुरी बदबू आ रही है जैसे महीनों से नहाया ही ना हो। तोबा तोबा, वैसे कुछ बोला भी है कि कौन है कहां से आया है? वैसे करम, तेरा तंदूर भी ठंडा पड़ने वाला है। क्यों ले? क्या क्यों, थोड़े ही दिनों में अन्नु के साथ ब्याह हो जाना है तेरा, फिर तू क्या तंदूर पे बैठ के ऐसे ही रोटियां बनाएगी? मंजी पे बैठ के खाएगी रोटियां? करम के नसीब भी काले हैं कौसर, मंजी पर बैठना करम के नसीब में नहीं। अन्नु के नाम की मेहंदी लगने वाली है तेरे हाथों पे, फिर भला तू कैसे इस गांव भर की रोटियां बनाती फिरेगी? कितनी बार कहा तुझसे कि गांव में मेरा रास्ता ना रोका कर, लोग क्या कहेंगे? ओ क्या कहेंगे, ओ तू मांगे मेरी, कोई कुछ कह के तो देखे, मुंह तोड़ दूंगा मैं उसका। ये बंदा कौन है जो अंदर पड़ा हुआ? मैं पूछ रहा हूँ ये मर्द कौन है, यहाँ क्यों आया है? बीमार है वो, तो तेरे पास क्यों आ गया मरने?
कितनी बार कहा है तुझसे कि गांव में मेरा रास्ता ना रोका कर। लोग क्या कहेंगे? वो क्या कहेंगे, पीछा करता हूं तेरा, आशूंगा तुझ पर। ओए तू मांगे मेरी, कोई कुछ कह के तो देखे, मुंह तोड़ दूंगा मैं उसका। मौलवी साहब से मुलाकात हुई थी मेरी, वो कह रहे थे कि अब निकाह की तारीख तय कर लो। हाँ कल कौसर भी यही कह रही थी कि तू वाटी बनने वाली है, तेरे हाथों पे मेहंदी लगने वाली है, तंदूर तो अपना छोड़ दे। ठीक ही तो कह रही है। गलत कहती है, अगर करम ने तंदूर तो अपना छोड़ दिया तो वो खुद भी भूखी मरेगी और उसका मर्द भी। ओए ताने देती है मुझे, बड़ी कमाऊ बनती है तू, हैं? तो मैं अगर चाहूं ना अभी जाके शहर में नौकरी कर सकता हूँ, तेरी वजह से यहाँ पड़ा हूँ, तेरी राखी कर रहा हूँ यहाँ पे। और वरना तेरा क्या पता है, राह जाते बीमार मुसाफिरों को घर में डालती फिरे तू। बीमार है इंसान है कोई कुत्ता नहीं कि अपने दरवाजे से धक्के मार के बाहर निकाल दो। डर खुदा से। बड़ा तरस आ रहा है इस मुसाफिर पे तुझे। तेरे दिल में सबके लिए हमदर्दी है, बस मुझसे कोई मसला है तुझे। रब ना करे अगर कल को तू भी मरने पड़ा होगा ना और मेरे दरवाजे पर आएगा तो करम रोटी के दो टुकड़े तेरे मुंह में भी डाल देगी। बदीद नहीं है? बढ़िया करे तुझमें, एक बार मेरे निकाह में आ जाए ना तो तेरी सारी अकड़ निकाल दूंगा। ओ अन्नू नाम है मेरा, और पूरे पिंड की किसी भी जनानी पे हाथ रखू ना तो अन्नू के लिए जान देने को तैयार हो जाएगी वो। और तू समझती क्या अपने आप को, ना अग्गा ना पिछा, बड़ी आई हूर परी। बड़ी अच्छी तरकारी बनाती थी, ना मिर्च कम ना ज्यादा, पता नहीं क्या डालती थी हांडी में। शाम को जब वो हांडी चढ़ाती तो उसकी खुशबू सारे पिंड में फैल जाती धुएं की तरह। सब लोग कहते रमजू तेरी घर वाली के हाथ में बड़ा जायका है, हांडी की खुशबू से भूख लग जाती है। मैं ये सुनता तो मेरे तन बदन में आग लग जाती, जी चाहता कि गरम गरम हांडी उठा के उसके सर पे उंडेल लूं। मैं ठुड्डा मार के हांडी गिरा देता, सफाइयां करती जाती और कहती जाती अरे लशा जी अब आप क्या खाएंगे, आपको भूख तो लगी होगी ना, दूसरी हांडी बना दो लशा जी। खिदमत में बड़ी ताकत है,
दवा से ज्यादा तेरा मेहमान दिल का जख्मी है। दिल पर जो कोई दवा असर ही नहीं करती, पता नहीं कैसे उसको सहारा सा हो गया। ये ले, खिला दे उसे। उसका इलाज तो तेरे पास, मेरे पास तो नहीं, लेकिन अपना ख्याल रखना। ये दिल का मर्ज एक से दूसरे को लग जाता है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई तेरी तरफ आंख उठा के देखे। अंधा है वो। अंधा है, मर्द तो है ना, और वो भी पराया। और ये तेरे घर में कर क्या रहा है? पांपड़ बल रहा है मेरे सीने में। इंसान हूं, कोई जानवर नहीं हूं। और ये बगैरती मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। और मेरी मांग को कोई बात करे, कैसे हो सकता है कि मैं उसको जवाब ना दूं? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई तेरी तरफ आंख उठा के देखे। अंधा है वो। अंधा है, मर्द तो है ना, और वो भी पराया। और ये तेरे घर में कर क्या रहा है? मेरी चौखट पर था, बीमार अंधा मुसाफिर, क्या करूं? बोल, क्या करूं उसका? मैं उठाकर बाहर फेंक दूं? और बाहर तो तू मुझे उठा के फेंक। और वो तेरा सगा, रख उसको घर में, उससे तेरा ताल्लुक है, मेरे से थोड़ी है। बस कर प्रावा, हौसला कर। मैं समझाती हूँ करम को। वो कौसर समझा दे इसको। एक पराए मर्द को घर में डाल के पूरे पिंड में बेइज्जती करा दी इसने मेरी। ऐसा कर, मुझे छोड़कर अपनी इज्जत बचा ले। अंधू को जवाब दे रही है तू? ओ अनवर, अभी को जवाब दे रही है? और जिससे पूरे पिंड का दराह निकलता है। गैर मदद के लिए मुझे फारग करा रही है। अनु, तू मेरा प्राण हौसला कर। तू ऐसा कर, तू घर जा शाबाश। मैं करम को समझाती हूँ, मैं खुद समझाती हूँ। जाओ मेरा प्राण शाबाश। हट। इतनी आसानी से फारग नहीं कराने दूंगा। बड़ी आई, बहुत सोनी तो नहीं थी, पर कोई शय थी उसके अंदर। उसकी आंखों की तरह बाल भी चमकते थे। एक दिन चमेली का तेल डाल रही थी, गुलाबी रंग का जोड़ा पहना था उसने, ऊपर से मैं भी भट्टे से जल्दी आ गया। मुझे देख के उसका मुंह और गुलाबी हो गया। पूरे वेड़े में उसका चानन और तेल की खुशबू बसी थी। मेरे दिमाग को चढ़ गई। मैंने ठुड्डा मारा तो वो जाके घड़ौंची पे लगी, सिर फट गया उसका। जरा नीचे लगता तो ढेला बाहर आ जाना था उसका। रोती जाती और कहती जाती, शाहजी घड़ा बच गया, जरा नीचे लगता तो नवा घड़ा टूट जाना था। ओए मेरी सबरों वाली, और तेरा सबर तो मुझे भी तोड़ गया। एक बारी फिर ये मैं पाँव पकड़ लूँ उसके। मालूम नहीं हकीम चाचा,
गिनती ही खत्म हो गई मेरी। बस जब भी रोता है बाद में खून की उल्टी करता है। तो सारी रात रोता रहा और उल्टियां करता रहा। हमने उसे अंदर से खा लिया है करम, इसलिए रोता है वो। अपनी घरवाली के लिए उस पर सौकन ले आया था, उसे मारकर घर से निकाल दिया और अब उसी के लिए रोता है। रो रो कर अंधा हो गया है, माफी मांगना चाहता है उससे, उसी को ढूंढ रहा है। फिर तू दुआ करके वो उसे कभी ना मिले, एक बार माफी मिल गई देखो ये मर जाएगा। उसका इंतजार मुक क्या, ये खुद भी मुक जाएगा। भाई कौसर बता रही थी कि तू शादी की तारीख तब तक नहीं देगी जब तक मैं कोई काम शुरू ना कर दूं। बड़े नखरे हो गए तेरे हैं, बड़ी फरमाइशें। देख ये मेरे काम का वक्त है, गाकी खराब ना कर मेरी, जा यहां से। ओ ये चार रोटियां बना के दो पैसे कमाने लगी है, तेरा तो दिमाग खराब हो गया। अगर तू इतनी काम की जनानी होती तो तेरा पहला तुझे छोड़ के क्यों जाता, जिसके सोग में ये काले कपड़े पहन के रखती है तू। ये तो अनवर अली की जबान है जिस पे मैं कायम हूं, एक करी देती बस देती जमान। शहर जा रहा हूं, नौकरी लेने, जब वापस आऊं ना जो लाश है ना इसको दफना दें। मर्द के बगैर जनानी बड़ी हल्की होती है, बड़ी नसीब वाली होती है वो जिनके सर पर साई होता है। साई ना हो तो वो काला छोड़ा पहन के करम बन जाती है। बस एक बार तेरा ब्याह हो जाए फिर सारे पिंड ने चुप कर जाना है। अभी तो हर घर में यही बात हो रही है कि करम ने गैर मर्द को घर में डाल लिया। अनु, अनु तो ऐसा डरा कि उसको पता चला तो उसने तो चीर फाड़ देना है सबको। हाँ वैसे करम तेरे भी मजे हैं, सारी हयाती हिल के नहीं पिया अनु ने, अब तेरी खातिर शहर जा रहा है कमाने के लिए, कहता है निकाह करके तुझे भी शहर ही ले जाएगा, तेरे तो मजे आ जाने हैं।
फिर मुझे भूल जाएगी ना, नई सहेलियां बना लेगी, है ना? कौसर, तेरा मन मिलता है तेरे घर वाले से? घर वाला तो काली सावन की दीमक जैसा होता है करम, एक बारी लग गया तो लग गया, इधर से झाड़ो तो उधर से निकल आना है। अंदरी अंदरी पोले पोले खाता ही जाएगा, खाली कर देगा, खाली। बच्चे जनते हुए जनानी को कितनी तकलीफ होती है ना, और वो कोई पीछे हटती है? नहीं ना, सब कुछ सह जाती है, अपनी जान पे खेल जाती है। यहां भी ऐसा ही होता है करम, बड़ी तकलीफ होती है। औरत अपनी जान पर खेल जाती है पर पीछे नहीं हटती। और जो हट जाए तो? हाँ कौसर, जो जनानी अपने ब्याह से हट जाए तो? मर्द के बगैर जनानी बड़ी हल्की होती है, बड़ी नसीब वाली होती है वो, जिनके सर पर साई होता है। साई ना हो तो वो काला छोड़ा पहन के करम बन जाती है, जो अपनी जिंदगी का तंदूर रोज जलाती है, जिसमें उसका नसीब सड़के स्वाह होता है। और जो मर्द अपनी जनानी से हट जाए तो? टांगे नहीं तोड़ देनी हमने अन्नू की, बस वो आया के आया, नौकरी लगाकर सीधा तेरे पास आएगा, तू फिक्र ना कर। चाचा, सुबह से पानी के घूम तक उसके हलक से नहीं उतरा, आंख ही नहीं खोलता, बस कभी कभी बेहोशी में रोता है। तेरी पुड़ियों ने क्या काम किया है जो अब दवाई लेने आ गई हो? लगता है तूने उसकी मौत का रास्ता छोड़ दिया। जा उसके सराहाने बैठकर सूरत यासीन की तलावत कर। शाजी, मैं करम, आपकी करम, करम, शाजी, आप मेरे साथ, अपने करम के साथ हैं आप, करम के साथ हैं आप, आपकी करम। ऐसा नहीं मुझे आपकी
घर में वाले घर कर्मों वाले घर बड़ी डांटी आ रही थी मुझ जैसे बंदे से शहर में नौकरी करा ली तूने, लेकिन वहां बड़ी मजदूरी करनी पड़ती है, खज्जल होना पड़ता है, बड़ा वजन ढोना पड़ता है और उस ठेकेदार की बातें सुननी पड़ती सारा दिन। सारा गरूर सारा मान जो है ना वो मिट्टी में मिल गया। कौसर मिली थी रास्ते में, मुझसे पूछी थी कि अनु तूने अपना क्या हाल कर रही है। मैंने कहा ये हाल तो मैंने अपनी मांग के लिए किया बस। नवे नकोर नोट हैं, सारे रास्ते तेरी याद की तरह कड़कड़ करते आए हैं। ले रख ले। लाल जोड़ा भी लेके आया हूँ। निकाह के लिए देख इसको, इतनी सोनी लगेगी तो इसमें। सारा वक्त ये सोग वाला काला जोड़ा पहन के बैठी रहती है। चार दिन की छुट्टी लेके आया था, निकाह की तारीख लूंगा और वापस आ जाऊंगा, लेकिन निकाह पर निकाह नहीं हो सकता। माफ कर दे मुझे, मुक्ति दे दे, माफ कर दे मेरी नारी, नाराज ना हो। दुख सुख दरमियां, दुख सुख चांद तो मैंने तुझे उसी दिन लिया था करम, तेरे बदन की खुशबू ही ऐसी है बंदे का अंदर चीर देती है। तुझे देखने के लिए आंखों की क्या जरूरत है। और वो अनु, मेरी करम को कोई देखे मैं चीर ना दूं,
अंधा हूं, बीमार हूं, लेकिन मर्द हूं, गैरतमंद हूं, कुत्ता नहीं हूं मैं। समझता था मेरी करम को मुझसे छीन लेगा, करम मेरी है बस, करम मुझे पुकार ना, बोल शाहजी। तू मुझसे नाराज हो गई है ना मेरी सोनी, गुस्सा ना कर, नाराज ना हो, माफ कर दे मेरी रानी, माफ कर दे मुझे। नाशा जी, मुझसे माफी ना मांगी, ना मांगी मुझसे माफी शाहजी, मैंने माफ कर दिया तो मौत का रास्ता खुल जाएगा, आपको कुछ हो गया तो करम क्या करेगी? बताए शाहजी, मर्द के बगैर तो जनानी बड़ी हल्की हो जाती है। बड़ी हल्की, गरम माफ कर दे मुझे, मुक्ति दे दे, माफ कर दे मेरी रानी, नाराज ना हो। आंखों से देख लेता तेरे अनु को तो चीर नहीं देता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन, खूब सीख शौक से निभाने रिश्ते, सबके संग संग में भूल बैठे दर्द है, मांगा ज्यादा कुछ नहीं चाहिए बस एक गुजार दे उम्र, चंद खुशी।